गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत पीतांबरा पीठ से करने पर एक बयान दिया और कहा कि झूठे लोगों की तो भगवान भी नहीं सुनते हैं। मिश्रा ने कहा कमलनाथ और कांग्रेस झूठ की राजनीति करते रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कमलनाथ और कांग्रेसियों ने लोगों को धोखा दिया है और ऐसे लोगों की भगवान भी नहीं सुनते हैं। वो कहीं से भी चुनाव अभियान शुरू करें, उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस सिर्फ छल और कपट की राजनीति करती है। मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयान का समर्थन किया और कहा उमा जी ने सही कहा, बीजेपी के मंत्री मलाईदार पदों के फेर में नहीं रहते हैं। भगवान एक बात और कहते हैं कि निश्चल मन हो सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और कांग्रेस कपट और छल छिद्र की राजनीति करती है, इसलिए अब ये कहीं से भी अभियान शुरू करें ये नहीं होगा। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा, उनके मत से मैं सहमत हूँ। देखो, भगवान को झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले कभी पसंद नहीं आते। पीतांबरा पीठ से जब ये अध्यक्ष बन के आए थे माननीय कमलनाथ जी, तब इन्होंने शुरुआत की थी। महाकाल भी गए थे, पीतांबरा पीठ भी गए थे, और दोनों में आशीर्वाद मिला। अल्पमत की सरकार बनी, तोड़जोड़ से बनाई, अपना घर संभाल नहीं पाए, तो भगवान को मालूम है ये धोखा दिया इनने। किसान को, नौजवान को धोखा दिया, बेटियों को धोखा दिया, बहुओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, तो अब ये कहीं चले जाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।